सुजानपुर के चौक घंटाघर में 2 लाख की लूट किए जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बाइक सवार 2 बदमाशों ने दुकान खुलवाते समय महिला विक्रेता के हाथ से आभूषण लिया और फरार हो गए। वहीं सीसीटीवी फुटेज में मामला कैद हो गया। वहीं पुलिस इस मामले को टप्पेबाजी बता रही है। आपको बता दें कि नगर कोतवाली पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। पूरा मामला सुल्तानपुर जिले के घंटाघर चौकी के अंतर्गत नगर कोतवाली से जुड़ा हुआ है। घंटाघर बाजार क्षेत्र में ही अभिनव बाबा आभूषण भंडार की पुरानी दुकान संचालित है। वहीं बाइक सवार 2 बदमाश आए और 2 दिन पहले आभूषण देखने की बात कहते हुए वह आभूषण मांगने लगे। झांसे में आकर महिला दुकानदार ने आभूषण दिखाना शुरू कर दिया। इसी बीच एक बदमाश ने हाथों से आभूषण छीने और दूसरे बदमाश के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो गया। इसी बीच दुकानदार के सहयोगी ने बदमाशों को पकड़ने के लिए उसका पीछा भी किया, लेकिन तेज रफ्तार बदमाश चकमा देकर भागने में कामयाब रहे। घटना से चौक घंटाघर इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस की कई टीमें जांच पड़ताल में लगी हुई हैं। आपको बता दें कि आभूषण व्यापारी बड़ी संख्या में नगर कोतवाली में पहुंचे हैं, जहां पुलिस से तत्काल कार्यवाही कर गहना दिलाने की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।